जब प्रैक्टिस करते हो तो मैक्सिमम कितने बार फेंकते हो? सर ऑफ सीजन में कम से कम 100 बार। कितना टाइम जाता है फिर उसको कलेक्ट करना, लाना, किसी की मदद लेते होंगे? मदद लेता हूँ सर, बैठ कर। सबसे ऊंची तुम्हारी है सबसे ज़्यादा हाइट? तुम्हारे भी कोई है क्या तुम्हारे साथ हाइट वाला? अच्छा, कितना हाइट है? 6 फुट। अच्छा, अरे फन बड़ा कम। देवेंद्र कैसे हो? बढ़िया सर, अब की बार थोड़ा गोल्ड से चूक गया। अरे ऐसा मन में मत रखो भाई, बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपने के मन में ये रह गया सर गोल्ड वाला? हाँ सर, बहुत नज़दीक आ गया सर, बट चूक गया सर। कोई बात नहीं, और मौका मिलेगा। सर आपने बहुत हौसला बढ़ाई थी सर। बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। क्या भाविना पजामा? जो अहमदाबाद गए थे सीधे जाओ सोनिया जवानी जो सच्ची अकाल जी, बहुत शानदार किया। थैंक यू सर। वाह, ये ऑप्शन होने वाला है जी। थैंक यू सर। ये तो देवभूमि वाले हो तो सर यही बात है सर, उत्तराखंड के लिए आपने देवभूमि वर्ड यूज किया सर, ये गर्व की बात है पूरे उत्तराखंड के लिए। ये बड़ा सम्मान है सबके हो ना ऑटोग्राफ। तो इसमें कितने लोग हैं जो अपनी मातृभाषा में ऑटोग्राफ करते हैं? भी ना बाकी सब अंग्रेजी वाले। सुमन जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि जाने से पहले आपसे बात हुआ था, आप तो फौजी इंसान है। आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि हमने इतना सपोर्ट इतना मोटिवेट किया जाने से पहले भी, मेरा हमारा परिवार से बात किया है, मतलब बहुत अच्छा लगा। मेघालय जाने वाले जाके आए या फिर? नहीं, अभी मैं पुणे जाऊंगा सर, पुणे जाने के बाद में फिर छुट्टी जाने के बाद में एशियन के लिए फिर प्रैक्टिस। नो रेस्ट सर, अभी एशियन के लिए तैयारी करना है। बार सबसे ज्यादा संतोष हुआ होगा कोचिज को हुआ होगा? इंडियन स्पोर्ट्स बहुत ऊपर उठ रहा है अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पैरा एथलेटिक्स सर, पैरा स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट है। एबल एथलीट के लिए काम करना बहुत आसान है, हमारी हर एथलीट की अलग डिसेबिलिटी है, उनको समझना, उनके साथ काम करना, तो पैरा स्पोर्ट्स में कोचिंग करना बहुत डिफरेंट काम है सर। ये बात सही है कि आप लोगों को वो एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, तो पैरा स्पोर्ट्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। जो अभी 2020 का हमारा ये ओलंपिक्स हुआ है, इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा, और मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं आपके पास मेरे पास कहने के लिए, आई एम स्पीचलेस। चलिए आप सबको बहुत बधाई है मेरी तरफ से। गौरव, बड़ा गजब का गौरव मिला है तुम्हें इस बार तो। सर आपने जो बात किया वहां पे मुझे एज अ कोच, और मैंने जरा आपसे कहा कि सर आपको कल भी बात करनी है उनसे, तो आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात कही उसने शायद कॉन्फिडेंस फिर से और दिया, और खिलाड़ियों ने जुझारू प्रदर्शन किया सर। मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, और जैसे प्रिंसिपल का रिजल्ट अच्छा आता है, कॉलेज में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया है, आई एम हैप्पी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। और पलक सर, बहुत ही ब्लेसिंग की फीलिंग है सर, आप हमारे साथ हैं।
हम लोग के गेम में सर ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट होती है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्लोज मार्जिन से सर 21-23, 19-21 हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच रह गया था. बट डेफिनेटली सर आगे वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर सर. तुम जब जा रही थी तो मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था तो स्क्रीन पर मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा था. मैं देख रहा था कि तुम्हारी माताजी इतनी भावुक थी. तो जब आप खेल के मैदान से निकली तब उसके साथ क्या बात हुई? जरूर कुछ विशेष बात हुई होगी. सर डेफिनेटली उनकी तरफ से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो था ही सर कि मतलब कि उन लोग के लिए भी गर्व का एहसास तो है ये कि लोग अब उन्हें जानने लग गए हैं. एंड कहाँ एक सोसाइटी पहले बेचारी कह के मुझे बुलाती थी और सिंपथाइज करती थी और कहते थे कि अरे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे. अब आई थिंक सर हम लोग का जर्नी देख के मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये डिसेबिलिटी मिली है. अगर ये डिसेबिलिटी नहीं होती तो मैं सर को नहीं मिलती मॉल के बाहर, मैं बैडमिंटन नहीं खेलती, और अगर मैं बैडमिंटन नहीं खेलती सर तो मैं आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सर आपसे मिलने के लिए. और प्राची क्या है बेटा, तुमने तो एक नया खेल शुरू किया है भारत का. जी बिल्कुल. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर मेरा. मैंने कोशिश की, इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है. और सर आपने बहुत उत्साहवर्धन किया, आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है, अपना बेस्ट देना, तो सर मैंने बेस्ट दिया और काफ़ी खुश हूँ सर. और आगे का एडवेंचर के लिए क्या सोच? सर मुझे समुद्र में बोट चलाने का बड़ा मन करता है. मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार समुद्र में चलाऊँ लहरों में. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग अस एंड हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आपने, थैंक यू सो मच फॉर दैट. सर थोड़ा सा वहाँ पे जाने से थोड़ा सा ये हुआ, परफॉर्मेंस का थोड़ा है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन नेक्स्ट एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और विथ मेडल्स नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा. एंड आपका सपोर्ट है जो हम टॉप्स के अंदर है उसमें काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हम एब्रॉड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी बाहर भी काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. सो रियली हेल्प्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच. सर ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बचपन से 20 शस्त्र चिकित्सा ले चुका हूँ मेरे पैर पे और मेरे स्पाइन पे. तो इस बार तो मेडल तो ज़रूर नहीं लेके आए पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था. हम तो ये गर्व हो रहे हैं कि उन लोगों को भी बीट किया है हमने और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है. और ऐसे हमारा एथलीट्स बोल रहे हैं कि दूसरे एथलीट्स बोल रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं. हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते, वो हमको इतना गर्व महसूस होते है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं. सो थैंक यू सो मच सर इसके लिए बहुत बहुत. क्या भाई जी ना सर, यही जंप किया था सर. वही तो मैंने उसको तुरंत पूछा था. दूर से सर, बहुत दूर से आया था, कैमरा दूर से जंप मार दिया था मैं. मैंने देखा था उसको और मैं लाइव देख रहा था उस समय आपका गेम. जी सर. कहो भैया तुम अभी तो घर पे जाते ही तुमको कहेंगे टिकट कहाँ है. जरूर सबको लेके जा रहा हूँ सर, एक सर जल्दी. अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं ना, डिवोट करता हूँ. ये भाव कैसे आया सर? मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम, मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं. तो बहुत बड़ी बात है सर ये सब. और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये और उन्हीं की वजह से आज ये मैडल. बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए समाज के लिए सोचते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. सर फादर कोचेज और फैमिलीज जिन्होंने भी सपोर्ट करा उनका तो बहुत बड़ा हाथ है सर. लेकिन कोविड वॉरियर्स माता पिता के लिए क्या कहाँ का कार्यक्रम बना रहे हो? सर माता पिता और साथ में मेरी जॉइंट फैमिली सर छोटी, तो कोशिश पूरी है सर जल्दी से जल्दी फ्री होके फैमिली के साथ एक टूर पर जाना है.
क्योंकि सर मेरी मम्मी आज तक कहीं नहीं गई है ना, पापा कहीं गए हैं, इतना देखो आज सबको एक साथ घुमाना जरूर है। बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सर। मनोज। नमस्कार सर। मुझे गर्व है कि सर मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूँ और सर वहाँ से निकल के और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है। और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से, तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आ रहा, तो ये मेरे लिए सर गर्व का क्षण था। आपको विशेष बधाई मेरी तरफ से। सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो पलक का स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर, उन सबका स्टोरी को देख लें और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, यू आर सिटिंग विद अस, फ्रेंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए। तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर, एवरीबडी इज अवेयर उसको स्टोरी को। आपको पता नहीं है, उल्टा है, जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपसे मैं केरला से हूं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विद यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। देखिए पूरे केरल को गर्व है इस बार तो। हॉकी में भी केरल ने अपना डंका जमाया। तो सुभाष जी सुनाइए, कोच की सबसे बड़ी इस बार गौरव पल है। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने सभी बच्चों को जाने से पहले मोटिवेट किया, पूरी टीम यानी आपके साथ आपके सपोर्टिंग साहब, जापान में भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए सर, मेडल लेके आए ऐसा नहीं, आपका कंडक्ट आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीजों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं, आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं, और उसमें जो भी आप करते हैं, और मैंने देखा है कि सबके लिए जितना भी मेरी क्योंकि तो मेरा जापान के लोगों से थोड़ा परिचय जरा ज़्यादा ही है तो बताते रहते हैं। और रुबीना, इट्स वेरी ऑनर टू मीट यू एंड आपकी जो आपने इतना मोटिवेट किया है हमें, बहुत ज़्यादा उसे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, ऐसी प्लीज़ मोटिवेट करिए, इस बार नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम श्योरली वी विल डू दिस। आप दिमाग से निकाल दीजिए इस बार आपको मेडल मिला है कि नहीं मिला है, ये दिमाग में बिल्कुल इसको आप दिमाग में ये रखो नेक्स्ट, वरना है हो गया सर, पाया है तो भी ज़्यादा उसमें फंसे मत रहो, खोया है तब भी मत बनो, वहाँ तक आप पहुँचे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक है, मैं अम्बाड़ा से हूँ और मैं तो आपसे बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता हूँ, क्योंकि आपने जब आए तो सबसे पहले लोग विकलांग बोलते थे और आपने उसके ऊपर स्पेशली लिखा कि भाई दिव्यांग बोलिए, एक ऐसा सम्मान दिया जो कभी किसी ने नहीं दिया था, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर मैं करीबन 13 साल से हूँ पैराशूटिंग के साथ और मैं शूटर्स को कह रहा था तुमने तो एक एक कलर लिया है, मेरे पास तो सारे हैं कि दो गोल्ड हैं, एक सिल्वर है, दो ब्रॉन्ज हैं, तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों के तीनों, तो बहुत खुशी हो रही है कि इन लोगों के लिए कि जो है ये लोग जितनी मेहनत किया था इन्होंने उसमें सफल भी रहे। एक वाक्य जो मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि आपकी पॉपुलरिटी मतलब हर जगह है। मुझे याद है कि जब इनके मेडल सरमनी के बाद हम लोग इनको जो है इंटरनेशनल मीडिया के पास ले जाना पड़ता है, वो उनका प्रोटोकॉल है, तो मैं उनको इनको रोक लेता था कि रुक जाइए अभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने वाला है, तो मुझे याद है कि किसी ने बोला कि व्हाट अ एक्सक्यूज़, पर बगल में ही किसी और ने उनको रोका, बोला नहीं ये सही बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रधानमंत्री का इवन बाहर के प्रति भी जो है बाहर के मतलब सभी लोगों को ये पता है कि इनके साथ हैं वो, और जब एक मुझे लगता है आप प्रमुख हैं हमारे, तो प्रमुख का विश्वास और प्रमुख की गाइडेंस रहती है, तो मुझे लगता है कि हमें तो अच्छा करना ही पड़ेगा और हम अच्छा करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा करना ही पड़ेगा नहीं, आप अच्छा करते ही हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, 10 मीटर में मैं रह गया लेकिन अगली बार मैं इससे भी बेस्ट दूंगा और देश के लिए इससे भी अच्छे मेडल ले पाऊंगा। आप लोगों के इस अचीवमेंट का सबसे बड़ा परिणाम समाज जीवन पर होने वाला है, पारिवारिक जीवन पर होने वाला है। हम माँ बाप को लेकर हाँ बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है तो खेल ले दो, उसको मदद करेंगे, गाइड करेंगे, बड़ा कल्चर पैदा होगा,
चलो भाई, आपका परिवार को तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके आशीर्वाद का असर है सर। रियलिटी में आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आजादी के बाद नहीं हुआ, आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूं सर। लगता है कि हम राम राज में रह रहे हैं। आप लेटर एज में खेलकूद में आए सर, जो प्यार देश में आपने, देश में जो प्यार जो मीडिया से इस समय मिल रहा ना, वो कभी नहीं मिला। इसके लिए मीडिया और आप धन्य है सर। चलिए, आप सबको को बहुत शुभकामनाएं मेरी। सतपाल जी बताइए। चलिए, हम तो कोचिंग से इस बार ज्यादा जानना चाहते हैं। जी सर, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा एथलेटिक्स में और मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा शेयर करता हूँ आपके साथ। सर, मैं 2004 में अपना एजुकेशन पूरा करके एथलेटिक्स में ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मेरे स्टेडियम में कुछ दिव्यांग एथलीट आते थे, मैंने उनको ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये लगा कि ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया। 2004 में देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन हिंदुस्तान में उनको इतना कोई जानता नहीं था। और आज हमने 2005 से स्टार्ट किया कोचिंग करना, आज सब दिव्यांग एथलीटों को जानते हैं। मैं इन उपलब्धियों के लिए सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। खिलाड़ियों को अपरोक्ष रूप से बहुत सारी सहायता मिलती है, पर परोक्ष रूप से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो जब इस मुकाम पर आते हैं और यहाँ आकर बैठते हैं तो पूरा देश उन्हें जानता है, मीडिया उन्हें पहचानती है, तो यह सम्मान दिलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांगजनों को कोचिंग करना, ये सिर्फ शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ विषय नहीं, सिर्फ खेल की टेक्निक से विषय से भी आगे आपको उसकी हर मन की रचना को आपको एड्रेस करना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि एकाध बार जो दिव्यांगजनों के कोचिज हैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहिए, उनके अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अलग, और मैं तो मानता हूँ कि अच्छी किताब बन सकती है, एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से इनको ऐसी समस्या तो ऐसे हैंडल करना चाहिए, निराशा आई है तो ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा। कभी कभी माँ बाप को भी गाइड कर सकते हैं आप लोग, एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली देखता हूँ कि सरल काम नहीं है जी। राम राम सर, मैं कशिश लाकड़ा हूँ और मेरी एज 17 ईयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से, जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी, तो मैं बोलती, मेरा वो बचपन आता, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो उनसे मिलना है। तो सर, मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आवाज होते हैं। तुमने 11 साल की उम्र में जो बोला वो तुम्हारी सोच नहीं होती, कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशीर्वाद बन गए मेरे लिए। मेरा भी सपना है सर, मैं रियो में 6th रहा था, अब मैं 5th हूँ, तो कभी ना कभी मैं मेडल जीतूंगा और आपसे मेडल के साथ मिलूंगा, ये मेरा सपना है। नहीं तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी, गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया तो सब ये कह रहे थे ये पीएम साहब से मिल के आया भाई, ये नहीं उनको ये था कि ये रियो पैरालंपिक का हिस्सा बन के आया, वो कह रहे थे ये पीएम से मिला है भाई, ये अच्छा आदमी। थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपने मुझे मतलब इतना रेस्पेक्ट दिए, बुलाया और सपोर्ट किया है, मेडल से चूक गया गोल्ड से एक जंप की वजह से, पर नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट रहेगा कि गोल्ड ही लाना है अपने देश के लिए। मैं चाहता हूं कि
पोडियम पे मेरा राष्ट्रगान बजे और मैं नहीं, मैं इस ये जो जिद है ना, इसका तो बड़ा महत्व है, जिद होनी चाहिए कि मैं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। लेकिन अभी जो हुआ उसमें कुछ कमी रही, कुछ तकलीफ हुई, इसको बोझ मत बनने देना, बिल्कुल मत बनने देना। हाँ शरद सर, अब मैं आगे का गेम फुल टेंशन फ्री होके खेलूंगा। अब मैं अपना स्पोर्ट्स जो मेरा पैशन है उसके तहत खेलूंगा, जो वो खो गया था स्ट्रेस में, जैसे आपने बोला एग्जैक्टली वो स्ट्रेस में हम लोग ना जो मेन पसंद है गेम वो फिनिश हो जा रहा था। अब मैं एक्चुअली उसको रिपीट करना चाहता हूँ। मैं अपना हाई जंप जो T63 है पैरालंपिक्स में, इसको बहुत मेन फोकस मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को दिखाऊं कि ये हम लोग कैसे एक आर्टिस्ट है और एक आर्ट कर रहे हैं। एक वो कहावत है कि शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे यही है। लास्ट टाइम 19 एथलीट गए थे खेलने के लिए, इस बार 19 मेडल आए हैं, तो कह सकते मतलब पैरा स्पोर्ट्स किस लेवल पे चला गया है, ये कोई वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं जैसे आपसे मिलने के लिए, थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी रहता है, आप जैसे आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर, आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा बैकग्राउंड बहुत आप जैसे ही एक सामान्य परिवार का है, और बचपन में तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल भी अगर नाम से बुला देते थे तो आप वाह नाच उठते थे कि प्रिंसिपल को मेरा नाम मालूम है। तो ये जीवन की खुशी तो रहती है, हर एक रहती है, लेकिन जब मेरा सार्वजनिक जीवन का दायित्व बना तो एक प्रकार से मैंने अपने आप को भुला दिया। मुझे कभी ये कोई नरेंद्र मोदी या कोई गांव से आया हुआ इंसान कुछ सब दिमाग से निकाल दिया। जब गुजरात में काम करता तो मेरे मन में रहता था भाई मैं नहीं हूं, 6 करोड़ गुजराती है, ये मेरे मन में रहता। और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मिलता हूं, मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ देशवासी हैं, और उसके कारण मुझे कभी इंफीरियरिटी नहीं होता है, कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। जैसा मैं आपको कहता हूं आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, मैं भी मन में रखता हूं मैं मेरे देश की बात बड़ी ताकत से करूंगा, बड़े विश्वास से करूंगा, तो यही भाव है और क्या है। आपकी सर मेमोरी बहुत शार्प है सर, आप एकदम याद कैसे रख लेते हैं? जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ आपके कई खिलाड़ी हैं जिनके पूरी परिवार से मैं जुड़ गया, परिवार के हर व्यक्ति से बात कर ली हूँ, उनके परिवारजनों के विषय में पूछ लिया है, उनके प्योर परिवार के जीवन में कभी कोई बीमार हो गया ये हुआ, तो एक प्रकार से जिसको कहें अपनापन हो जाता है, उसका एक आनंद अलग होता है, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। सर आपने बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया हमारे प्लेयर्स को, और जिसकी वजह से हमारे प्लेयर में जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट ईच एंड एवरी प्लेयर ही परफॉर्म्ड हिज बेस्ट। ज़्यादा दिव्यांगता की श्रेणी में महिलाओं ने व्हीलचेयर पे होते हुए, एक बहुत मुश्किल शरीर में होते हुए भी देश के लिए बड़े बड़े मेडल जीते हैं, तो इसका भी बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, सिर्फ उनको आपकी जो प्रेरणा मिलना चाहिए, आपकी जो प्रेरणा रही सर बेटियों के प्रति, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए, सिर्फ उनको उनको अवसर मिलना चाहिए बस। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्ते सर, मेरा नाम नवदीप है सर, सर मैं भी जेवलिन थ्रो करता हूँ सर, और सर अनलकीली मैं भी 4th रहा हूँ सर, मेडल नहीं ले पाया, बस कुछ सेंटीमीटरों से मैं मेडल आउट हुआ हूँ सर,
तो सर बस यही है यार, तुम तो रेसलर होना चाहते थे। हाँ सर, अभी भी मन में है क्या? सर मैंने शुरुआत रेसलिंग से ही की थी गेम्स की, क्योंकि पापा भी रेसलिंग करते थे, तो पापा ये चाहते थे कि मेरा लड़का भी मेरी तरह एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बने। पर रेसलिंग में तो नहीं कर पाया, फिर मैंने दूसरा गेम चूज़ किया, तो फिर मैंने सर जेवलिन स्टार्ट किया था। पर सर यही है, गिर के उठना ही खेल होता है, यही हमको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है कि अगर गिरे हैं तो उठ के दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा होना है कि दोबारा देश हम पे प्राउड करेगा सर, अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे। पिताजी ने बाद में खेल के बाद क्या कहा? खेल के बाद यही कहा कि बेटे तूने बहुत अच्छा किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो अब यहाँ तक पहुँचा ये हमारे लिए वो बहुत स्वयं खिलाड़ी है, गर्व की बात है। यस सर, यही थोड़ा फ़ायदा है कि उन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, अभी कोई बात नहीं। आप लोग जो आखिरी तबके पे पहुँचे हैं, तो आपको दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है, और इसलिए आपकी चुनौती ज़रा ज़्यादा होती है। अच्छा किया है आप लोगों ने। सर मेरी सोच यही है कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। देखिए आपका सबसे बड़ी ताकत जो है ना, इन दो वाक्यों में मैं पकड़ लेता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि रियो में ये हुआ और वही यहाँ रिपीट हुआ, तो आपके मन पर क्या परिस्थिति होगी इसका मैं अंदाज कर सकता हूँ सर। लेकिन आपकी बात में वो प्रकट नहीं हो रहा है, आपकी बात में पॉजिटिव चीज निकल रही है कि मेरे पास दो बार का एक्सपीरियंस है और मैं और ज्यादा अच्छा करूंगा, ये सबसे बड़ी ताकत है। और आप लिख के रखिए मेरे शब्द, आप करके रहोगे। जिस घर का मुखिया अगर तगड़ा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर की प्रगति ना हो। तो सर मैं वही चीज आपसे रिलेट करता हूँ कि सर हमारे देश का मुखिया ऐसा है ना कि ऐसा लगता है जैसे कि जैसे बच्चे स्कूल में फील नहीं करते, अगर उनका बच्चा अगर पिताजी टीचर हो, तो मेरा पिताजी टीचर है, तो मतलब हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हाँ हमारे पीछे कोई खड़ा है कि हाँ आप देख लेंगे किसी को भी। तो देखिए 130 करोड़ दोस्त देशवासी आपके पीछे खड़े हैं। सर मुखिया तो एक ही होता है, तो आप हम सबको लीड कर रहे हैं सर। हाँ आप भी, आपकी सोच इतनी अच्छी है सर, आप सबको साथ लेके चलते हैं सर। आप खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी फौजी जितने भी जो देश के लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, आप उन सबको अपने आप से जोड़ के और उनके लिए काम करते हैं। खेल में सिर्फ खिलाड़ी के भरोसे आप कभी भी देश विजय नहीं होता। सारी टीम स्पिरिट चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और इन सबको एक माला में परोना पड़ता है, ये तब जाकर के वो भारत माता के गले में माला पड़ती है। मुझे नहीं पता कैसे बोलना चाहिए आपके लिए सर, जितना बोला जाए, मतलब आपको सलाम है तहे दिल से सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जो ये पॉजिटिव सोच आपने बताया ना सर, वो मेरे को आप ही से सीखने को मिलता है कि आप है ना जो नेगेटिव जो चीज़ होती है उसको एक बार साइड में रख के फिर भी बहुत, मतलब हर चीज़ की प्रगति कैसे हो सकती है, उन्नति कैसे हो सकती है और आगे कैसे ले जाया जा सकता है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई काम करते हैं उसमें त्रुटि भी आती है, हर काम में आती है, लेकिन फिर भी उसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है सर, ये आपसे सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली दिन है। मैं सर आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ, यही मेरे लिए सर मेडल है, यही मेरे लिए सब चीज़ है सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। माता जी से क्या बात हुआ, माँ से क्या बात हुआ? मम्मी के मेडल आ गया, पूछ रहा सर मेरा माँ, मम्मी बहुत खुश हो गया सर, थोड़ा फीलिंग हो गया, गोल्ड मिस हो गया, थोड़ा फीलिंग हो गया। मम्मी पूछ रहे नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम कर दो गोल्ड, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, पूछ रहा हूँ। मरेपन के पूरे परिवार से मैंने एक दिन बात किया कि माता जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली हमको ये पैरोलम्पिक करेंगे सर, आपको हम देना चाहते हैं। जरूर लगाइए सर, ये हमारी पहचान आपके साथ। हाँ ओलंपिक करेंगे सर, विद्वानों की टोली है। नमस्कार, ये लोगों में धारणा है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, है? और पढ़ने में उनको कोई इंटर रुचि नहीं होती, बस मैदान में खेलते रहते हैं। जी सर। कुछ लोग तो मानते हैं ऐसे बड़े गैर जिम्मेवार होते हैं, और आप दोनों ऐसे हैं कि आप PhD कर रहे हैं, इसने IAS कर दिया। जी सर। ये तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं आप देश के नौजवानों को। जी सर। बस सर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी,
तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें डिस्ट्रक्शन कम होती है। खाब जैसे ही हम स्पोर्ट्स से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं और साथ में हमारा समय ख़राब नहीं होता, हम खाली और दिमाग ज़्यादा भटकता नहीं है इन चीज़ों से क्योंकि बिजी रहता है। आपने और भी खेल खिलाड़ियों को भी देखा, उनका ऑब्जर्व किया होगा, उनकी टेक्निक ऑब्जर्व की होगी, क्योंकि खेलने के लिए जाते हैं लेकिन बाकी समय सीखते भी हैं औरों को कैसे खेलते हैं क्या करते हैं, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा सर। बाकी खिलाड़ियों से सर हमने ये सीखा है कि पहले जितने भी कंपटीशन खेले दिमाग में कंपटीशन का डर ये सब रहता था, लेकिन इस बार का जो मेरा परफॉर्मेंस रहा मैं समझता हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट रहा। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मेरा हर एक तीर मुझे पता था कहाँ लग रहा है। सर बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना। मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। मैं इसको ज़िंदगी के बहुत ही मेरी भाग्यशाली दिन मानता हूँ सर। और 2018 में सर जैसे सर आपने कहा कि आग लगी रहनी चाहिए कि एशियन पैरा गेम्स में क्वार्टर फाइनल में सर इंडोनेशिया के खिलाड़ी से मैं हार गया था तो एक मेडल छूट गई थी। इस बार सर सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मुझे मिला और मेडल और मेडल के बीच में वही खिलाड़ी खड़ा था। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना आपकी प्रेरणा थी सर और भाग्य मेरे साथ था सर, आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। सोने से थोड़ा कम चुक गए सर, बट मैं वाकई में सर सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने पराक्रम से अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ, किसी की कृपा से नहीं है सर। बट जो प्रेरणा आपने दी है सर सारे खिलाड़ियों के लिए और मेरे लिए भी, वो बहुत ही हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं सर। जैसे और खिलाड़ियों ने भी कहा सर कि वहाँ जब बात करते थे, जब आपने सर हम लोगों से बात की और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे वॉलेंटियर्स होते थे उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। पूरे देश का माहौल बदल दिया है आप लोगों। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं, आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है, हार को हराने का मूड हमेशा बना रहना। कैसा रहा अनुभव? चलिए मैं पहले आपको 3 बार मिल चुका हूँ खिलाड़ी बन के, तो मेडल भी लेके आके आपको मिल चुका हूँ, इस बार आप कोच बन के मिल रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बार बार मिल रहा हूँ। और ये भी अच्छी बात है कि सर आपने पैरा को और एबल को सम्मान सेम सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं पहले 2004 में ओलंपिक खेला था और 2012 तक भी जब खेल रहा था तो किसी को पता नहीं चलता था कि भाई पैरा क्या है, पैरा क्या है। अगर अच्छा आपका गेम भी होता है, बोला हम एबल से भी ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, तो अच्छा आप ऐसा भी करते हैं, तो जब हम बताते थे कि गूगल में देख लो यूट्यूब में देख लो हमारा नाम भी है सब कुछ है, जब जाके वो देखे अच्छा आपका गेम भी होता है, जब आप आ गए तो तब से और हाईलाइट हो गया हमारा गेम। और अब तो ऐसा हो गया कि आपने सेम सम्मान दे दिया एबल को और पैरा को, या तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिया, फर्स्ट टाइम मतलब इतना रिजल्ट में दे पाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है, मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। केम छो सर? आपने मजा में सर તારો જૂનો ફોટો ના અત્યારનો ફોટો જો આશ્ચર્ય થશે લોકોને। હા સર, મુજે બહોત ખુશી હુઈ હૈ કે મે ઇસમે પાર્ટિસિપેટ હુઈ, હાલાકી મેરા મેડલ નહીં આયા પર મેને બહોત ફાઇટ દી ચાઇના ઓર કોરિયા કે સાથ
और सर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं समझ रही हूँ मैं जीत गई। वाह वाह वाह। और सर अभी आप पैरा प्लेयर को मोटिवेशन दे रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि अभी प्लेयर ज्यादा मेडल लेके आ रहे हैं सर, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहले वडनगर से साइकिल पर सुंडिया जाता था। सर मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब मुझे मतलब टोक्यो जाने के बाद वायरल इन्फेक्शन हो गया और 103 बुखार रहता था, पहला मैच मेरा मतलब बहुत ही बुरा गया, और उस दिन मतलब उस दिन जो मेरी रात थी ना बहुत मुश्किल वाली रात थी, क्योंकि मैंने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ तक आने के लिए। तो उस दिन ना मतलब एक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब आप सबको मिले थे तो उस दिन मतलब हमसे बात आपकी नहीं हुई थी, तो पहली बात मेरे दिमाग में यही था कि मुझे आपसे मिलना है कुछ भी हो जाए, और दूसरी बात ये थी कि अगर मैंने आज कुछ नहीं करके दिखाया, हाँ मेरा बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आज मैंने कुछ करके नहीं दिखाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो बस आपसे सर जो मोटिवेशन मुझे हमेशा मिला है, आपसे जो मैं कुछ सीखी हूँ उसकी वजह से सोच है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और इसलिए मैंने इस बार लाल किले से कहा यही समय है सही समय। Yes. हर वक्त के समय में यही समय है सही समय, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नेगेटिविटी लानी नहीं चाहिए, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। तो वही पॉजिटिव थॉट्स बना के मैं फिर अब तो भावना जायंट किलर बन गई है, इसलिए अब हमेशा पॉजिटिव ही सोचो और पॉजिटिव ही बोलो। हेलो सर, मेरा नाम जयदीप है सर। सर पैरा स्पोर्ट्स एक गेम नहीं है सर, ये एक जिंदगी में कुछ करने की और जीने की उम्मीद है सर। आपने सर उससे पैरा स्पोर्ट्स जनरल के बराबर रख के सर उस उम्मीद को और ज्यादा बढ़ा दिया सर। अब हर गांव में हर में पैरा स्पोर्ट्स दिव्यांग हो जाता है सर, उसको ना अब ये नहीं होता मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके होता है सर जिंदगी में उम्मीद हो जाती है गेम खेल के, उसको जिंदगी जीने टारगेट मिल जाता है सर वो। देखिए आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है और बहुत सचमुच में परिणाम दिया है। सर नमस्ते सर, जय जगन्नाथ सर। 2020 में पैरामेडिकल को इंक्लूड किया गया और तब भी मैं बहुत तैयार था कि मैं जाऊंगा और डेफिनेटली अपने देश का नाम और झंडे को ऊपर लहराता हुआ देखूंगा। मेरी एक बहुत सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूं, तो वही चीज़ है कि अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस सपने को पूरे करने के लिए। तो वही था सर, मैंने 2021 में अभी मैंने पार्टिसिपेट किया और अपना और देश का और अपने पूरे भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा पाया, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। और सर ये सब कुछ हो पाया आपके जो शब्द हैं, क्योंकि आपके शब्द और आपके जो चेहरे के तेज है सर, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं फैमिली में या हमारे गांव में तो आपका तेज देख के हमको ये लगता है कि नहीं सर ये बोल रहे हैं। प्रमोद आपने जो कहा कि तेज, ये मैं तो स्वयं प्रकाशित नहीं हूँ, मैं पर प्रकाशित हूँ। तो 130 करोड़ देशवासियों का जो तेज है ना वो मेरे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है, मेरा नहीं है ये। जरूर जरूर 100% ले आओ सो। चलिए इतने सारे पैरालंपिक्स आए और गए, लेकिन ये पहला ऐसा पैरालंपिक्स है जो पूरे देश ने सिर्फ मेडल्स की गिनती नहीं की है लेकिन खेल देखे हैं। और ये जो बदलाव आया है पूरे देश में, आई थिंक इसकी हम बहुत इंतजार था कि सिर्फ क्रिकेट छोड़ के इस प्रोफेशन में आने की इच्छा कैसे हुई? सच कहूँ तो जब मैं स्कूल में थी तब मुझे था कि मैं मेडिसिन या इंजीनियरिंग पढ़ूं, और दोनों में मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो तब वैसे मेरी शूटिंग की करियर की शुरुआत हुई, और तब से ही मुझे ये एक पैशन ही रहा। मैं 2004 के ओलंपिक फाइनल्स में थी और अब मैं एज अ कोच इंडियन टीम के साथ हूँ। इस पल को देखकर मैं ये कहूंगी कि हजारों अरुणा और सामने आएंगी और अच्छा करेंगी और मेडल लेकर आएंगी। अरुणा बताइए। नमस्कार सर, पहले तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ ऐसे बिल्कुल पास ही बैठी हूँ फ्रंट सीट पे,
आज मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए आप एक आइडल हो, आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वो। और मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि मैंने ताइक्वांडो को फर्स्ट टाइम पैरालंपिक्स में ऐसे भारत का प्रतिनिधि करा और मेडल तो नहीं जीत पाई, बट मैंने लोगों की सोच जरूर बदली है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो हैंडीकैप होते हैं वो तो कुछ नहीं कर पाते, क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, उनको सहारे की ज़रूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। हैंडीकैप्स नहीं होते, वो आपने जैसे कहा दिव्यांग होते हैं, देवों के रूप, तो हम भी कुछ कर सकते हैं और करके दिखा रहे हैं। तो आपने सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जाने से पहले भी, आने के बाद भी। आप विश्वास जीत करके आई हो। बिल्कुल सर, और वो सबसे बड़ी पूंजी है। जी सर, और पहली बार जाना, नए खेल में जाना जहाँ भारत की पहचान नहीं है, वहाँ इस प्रकार का प्रदर्शन करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। अब नहीं बताइए, गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी क्वालिफिकेशन में सेवेंथ आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चल रहा है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। मेरे मन में ये सवाल था कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया। लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम उतनी डटी रही और ब्रॉन्ज लेकर के रही, ये सब यानी कैसे? सर जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ दोनों, और मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, और अगर आप ऐसे आपका आशीर्वाद रहे मेरे साथ और सारे एथलीट्स के साथ तो हम अगले कई डेकेड्स तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जय हिंद सर, मेरा नाम सर दीपेंद्र सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से भटपुरा गाँव से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छा सम्मान दिया, सभी का मान बढ़ाया, और सर आप अपना सम्मान और खिलाड़ियों के लिए आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें सर, हम बस यही आपसे प्रार्थना करते हैं। और फिर जब हम लोग यहाँ से गए और आपने जो हमारा मतलब कि कॉन्फिडेंस यहाँ से बना के ऐसे भेज दिया कि जाओ, गाड़ी स्टार्ट यहाँ से कर दी हमने, जाओ चला के और अपने घर आ जाओ, हम सर ऐसे ही बस गए, अपना मैच किया अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, और अब हम आपके साथ आ गए आपके आशीर्वाद के लिए। देखिए जीवन को इतनी सरलता से लेना, सहजता से लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ढिकना होगा तो फलाना होगा, तो ये आपकी बातों से लग रहा है ये होता रहता है। चलो भाई अपने रास्ते पर चलते चलो। चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबको। अच्छा बेटा छुट्टी रहो। नमस्कार सर, मेरा नाम टेकचंद है, और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे पैरा खिलाड़ी जैसे आज बात कर रहे हैं और हमारे जानने से पहले जैसे खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, और मेरा परिवार भी उस समय लाइव देख रहा था, तो उसमें हम खिलाड़ियों को तो ऊर्जा मिलती ही है, बट हमारे परिवार को भी एक ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा मतलब जोश एक दुगना तिगना हो जाता है, और आज इतना मान और सम्मान ये सिर्फ मिल रहा है, इसका श्रेय आपको जाता है। आपके पराक्रम का परिणाम है, आपने पराक्रम किया, और ये पराक्रम ऐसे एक रात में नहीं होता है, 8-8, 10-10 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, सुबह 3-3 बजे वो बुलाए अगर कोच तो भी भागना पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन गुरुओं को जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं आपके पास। मेरा 2016 ओलंपिक 52 सेकंड लेट होने के कारण मिस हो गया था, बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि मेरा ओलंपिक मिस हो गया, फिर भी कोच साहब ने मेरा फुल सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, और मैं वापस से तैयार हुआ और आज ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के अंदर मैंने मेडल जीता है, तो वो एक जो प्रेशर था वो मेरे ऊपर से हट गया, और आने वाले पेरिस ओलंपिक्स के अंदर मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरा मेडल का कलर चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। देवेंद्र बताओ, देवेंद्र मुझे एक प्रॉमिस किया था तुमने जाने से पहले, याद है?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों को लेकर के जाना है। सबसे पहले तो सर बेटी ने मेरे को ये बोला है कि सर को मेरा नमस्कार बोलना, जिया ने, तो आपको नमस्कार सर। बेटी को आशीर्वाद दीजिए हमारा। बिल्कुल सर, 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में। सर मैंने लंबा पैरा स्पोर्ट्स किया, 19 साल हो गए इंडिया टीम में। 2004 में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था, और वो पैसे कैसे मैनेज किए आज बताऊंगा, वो दिल की बात, वो मेरी माँ के गहने बेच के गया था। तो मुझे आज खुशी इस बात की है कि जब मैं वहाँ गोल्ड मेडल लिया 4 में, फिर 16 में लिया, और मेरा सर हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लो, मेरा थोड़ा सा अलग सपना था, ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाऊं। तो उस हैट्रिक बनाई मैंने, उसमें कामयाब हुआ उस मिशन में, और मुझे बहुत खुशी है कि देश के लिए मैंने हैट्रिक बनाई है मेडल की। सर मैंने एक बात कहना चाहूँगा कि जो जाने से पहले आपने जो हमें मोटिवेट किया, परिवार के साथ बात की आपने, हमें बताया कि आपको बस खेल के आना है, विशेष तौर पे मेरे से तो आपने बात करके कहा कि आप पे शायद प्रेशर भी बनाते होंगे आपका मेडल आ जाएगा। सर ऐसा उसमें आपने जो हौसला दिया उसी हौसले के साथ टोक्यो पहुँचे हम, और टोक्यो में पहुंचने के बाद उसी हौसले से ग्राउंड में पहुंचे, और उसी हौसले से हमने तो थ्रो किया, और उसी हौसले से हमने मेडल जीता। तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएं थी, आज भी मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे तीन कौन है, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो साथ गया नहीं था, कि एक के पीछे तीन, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है, और एक फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर वो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था, और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है। चलिए भाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। सबसे पहले तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ अपेक्षाएं भी करता हूं। अब आपकी एक पहचान बनी है, एक प्रकार से आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, आपके एक परिवारजनों में, आपके गांव में, समाज में आपको, आपकी तरफ देखने का नजरिया बदला है, स्वाभाविक है, और वो आपकी तपस्या के कारण, आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके पराक्रम के कारण हुआ है। अब ऐसे में आपकी छोटी छोटी चीजें भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है, बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकती है। देखिए, आजादी के 75 साल है और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं, और 24 में आपको पेरिस जाना है, तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को, और बच्चों को, और नौजवानों को, कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकांत जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं, सप्ताह में एक घंटा, महीने में एक घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करेंगे, और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए, और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब
छोड़ दीजिए, आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने यही हमारे सपने हैं, वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।